जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमला करने वाले गुनहगारों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। माना जा रहा है कि ये आतंकी लश्कर या जैश से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही हमले की जिम्मेदारी पीएपीएफ नाम के आतंकी संगठन पर डाली जा रही है, जिसे जैश का प्रॉक्सी माना जाता है। पुंछ अटैक के पीछे लश्कर आतंकी अबू हमजा का नाम सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। पुंछ आतंकी हमले में कई जानकारियां हाथ लगी हैं। आपको पांच बड़ी अपडेट दे देते हैं। अपडेट नंबर वन, हमले से जुड़े छह संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। अपडेट नंबर दो, एक संदिग्ध के घर आतंकी को पनाह भी मिली थी। अपडेट नंबर तीन, यही नहीं, हमले में चार विदेशी आतंकी शामिल हुए थे। इन सभी की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। अपडेट नंबर चार, इस हमले में लश्कर और जैश के आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। हमले के बाद लश्कर आतंकी अबू हमजा का नाम भी सामने आया है। वहीं अपडेट नंबर पांच है, पुंछ हमले की जिम्मेदारी पीएफएफ ने ली है। हालांकि इस मामले में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में थाना मंडी आतंकी हमले के बाद अबू हमजा की तस्वीर जारी की थी और ये बताया था कि वो राजौरी और पुंछ के बीच के इलाकों में सक्रिय है। पुलिस ने अबू हमजा की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जानकारी शेयर की थी जिसमें कि अबू हमजा नामक एक आतंकी की फोटो जो है वो शेयर की थी, जिसने कि हाथ में M4 राइफल जो है वो पकड़ी हुई थी और उसके बाद उसी आतंकी को कहीं ना कहीं ट्रेस करने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी जो है वो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर जो है वो शेयर किया था कि कोई भी उसकी जानकारी देगा तो 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। पुंछ आतंकी हमले में जवान की शहादत पर देश गुस्से में है, तो इस पर सियासी किंतु परंतु भी शुरू हो गया है। इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। क्या है ये पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। ये क्या है आप हमको बताओ ना, चुनाव के समय ही क्यों, अगले बार भी पुलवामा, फिर ये घटना, ये सब कुछ डायल्यूट करने के लिए। शहादत पर सियासत की शुरुआत कांग्रेस नेता पप्पू यादव के सवाल उठाने से हुई, उसके बाद आरजेडी नेता मनोज झा भी इसमें कूद पड़े। क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? शहादत पे फूल माला चढ़ा देना सिर्फ ही वही एक ये चीज नहीं है। ये सिलसिला यही नहीं थमा, उसके बाद सवाल उठाने वालों की फहरिस्त में कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हो गए। सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। विपक्ष की तरफ से उठ रहे सवालों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया। उन्होंने चन्नी पर जोरदार पलटवार किया। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। आपको बता दें कि पुंछ हमले से कुछ देर पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते नजर आए थे। जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, ये बंद नहीं होगा। तो आज फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर पाकिस्तान के नकली एटमी बम का डर दिखाने लगे। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा, और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। फारूक और विपक्षी नेताओं की तरफ से उठ रहे सवालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड प्रहार किया। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। Zee News.